नमस्ते दोस्तों, तो आप लोग के डिमांड पे एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं एक और नई कार के साथ, जिस गाड़ी का दोस्तों नाम मुझे बेशक बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी का नाम है दोस्तों टाटा नैनो। काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन की है गाड़ी, और ये जो गाड़ी है टॉप मॉडल ट्विस्ट वेरियंट आप देख रहे हैं, तो उसमें बूट ओपन करने की भी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी गई है। यानी कि मैं नहीं, इसका जो मेन ऑनर है उन्होंने सॉल्व किया था, और देख सकते हो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस गाड़ी की अगर हम ओआरवीएम की बात करें तो ओआरवीएम नॉर्मल बेसिक से आपको मिल जाए, कोई भी इसमें ऑटो फुल लेवल या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जैसा फीचर्स नहीं है। और जैसा कि सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो दोस्तों सेकेंड हैंड गाड़ी का टायर कंडीशन भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको उसका टायर कंडीशन बताऊं, तो इसमें आपको टायर की लाइफ मिल जाएगी 60-70% के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदा भी, इसको आप नहीं बोल सकते हैं। इसमें आपको 12 इंचेस का टायर साइज देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर हम बात कर लें एलोयज की, तो दोस्तों गाड़ी के अंदर कंपनी की तरफ से कोई एलोय नहीं आती है, नॉर्मल स्टील व्हील का रिम आपको मिलता है। हालांकि इसमें आप चाहें एलोयज लगवाना तो आप आफ्टर मार्केट बेशक लगवा सकते हैं, इसमें कंपनी की तरफ से नॉर्मल प्लास्टिक के जो व्हील कैप्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का फ्रंट लुक है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसका फ्रंट लुक, जिसमें आपको फ्रंट में दो नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट्स देखने को मिल जाएगा, साथ में हेडलाइट के जस्ट ऊपर आपको साइड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। रही बात वाइपर की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में सिंगल वाइपर मिल जाता है, और छत के ऊपर आपको इसमें सिंगल एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प की, तो जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैम्प भी लगा लगाया आएगा, तो वो भी आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कंपनी के जो बैजिंग है टाटा की, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। और कुछ इस टाइप से दूसरे साइड का लुक आप देख सकते हैं, इसमें फेंडर के ऊपर साइड इंडिकेटर मिलेगा, ओआरवीएम के ऊपर इसमें साइड इंडिकेटर नहीं आता। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का पीछे का आपको लुक मिलता है, पीछे से भी काफ़ी शानदार है गाड़ी, और ये टॉप मॉडल नहीं है दोस्तों, टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे की गाड़ी। और जैसा कि मैं बोल रहा था बूट के बारे में, बूट ओपन करने का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, वो ये है कि बहुत लोग ऐसा लगता है कि नैनो के अंदर बूट नहीं दिया गया, तो भाई इसमें दिया गया है। 280 लीटर का इस गाड़ी में भी आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, जिसको यूज़ करने के लिए आपको पीछे का जो डोर है उसको आपको ओपन करना है, देन पीछे का जो सीट होगा उसको आप जैसे ही डाउन करेंगे, फिर जितना स्पेस बचेगा वो आपका बूट स्पेस होने वाला है। तो बूट इसमें दिया गया है, डोंट वरी। और अगर मैं आपको बताऊं पीछे में क्या क्या मिलता है, तो पीछे में स्पॉइलर है, नॉर्मल आपको टेन लाइट्स मिल जाएगा, कोई एलईडी लाइट तो खैर नहीं है। टाटा के बैजिंग साथ ही में पीछे में आपको मिल जाएगी, नैनो की बैजिंग मिल जाएगी, नैनो एलेक्स। और इंजन की रही बात, तो जी हाँ, गाड़ी का जो इंजन है पीछे में ही लगा हुआ है। इसका जो विंडशील्ड है नॉर्मल बेसिक्स है, इसमें कोई भी डिफॉगर या फिर रियर वाइपर आपको नहीं दिया गया। और इंजन पीछे होने के कारण बहुत लोग ऐसा भी कंप्लेन है कि इंजन वॉइस कैबिन तक आता है, तो बता देना चाहता हूँ भाई आता है नैनो के अंदर इंजन वॉइस कैबिन तक, लेकिन सबसे जो बेस मॉडल है जिसमें एसी वैसे कुछ नहीं आती ना, उसमें बेशक नॉइस है, बाकी अपर मॉडल में कोई भी नहीं है, तो आप ये सब टेंशन बिल्कुल ही मत लो। और गाड़ी का आप छत देखिए, गाड़ी का छत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में, कोई रस्ट वस्ट गाड़ी के अंदर नहीं है, सो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के गाड़ी को ले सकते हैं। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का इंटीरियर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ इसकी इंटीरियर आती है। और रियर सीट भी आप देख सकते हो, रियर सीट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है बाहर से गाड़ी देखने में कि काफ़ी छोटी है, सो अंदर में भी उतना स्पेस नहीं होगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों, अंदर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस है। अंदर में 2 लोग से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, यानी कि सो करके जा सकते हैं, लेकिन आराम से बैठ सकते हैं। और कुछ इस टाइप से इसमें आगे का देखने को मिलता है, जिस फीचर्स के बारे में अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो पता नहीं आपको अच्छा लगेगा खराब लगेगा, आई डोंट नो, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ एक फीचर्स है जो कि इसका पेट्रोल है। जी हाँ, आगे में स्टेपनी होता है, जो कि खैर अभी निकला हुआ है, स्टेपनी आपको लगा के दिया जाएगा। और जस्ट आपको एक बगल में छोटा सा ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, वो है इसका फ्यूल गेज। जी हाँ, यानी कि जब भी आपको गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाना होगा तो कुछ इसी टाइप से आपको गाड़ी का आगे का बोनट ओपन करना पड़ेगा, देना फ्यूल डलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप परेशान हो सकते हैं पेट्रोल पंप पे, तो बस गाड़ी के अंदर यही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ इंटीरियर में क्या क्या मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका इंटीरियर में आपको डुअल टोन कलर के साथ डैशबोर्ड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और फ्रंट में आपको 2 बड़े इसमें ग्लव बॉक्स दी गई हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस है दोस्तों। और ग्लव बॉक्स के जस्ट बगल में आपको इसमें 2 स्पीकर्स दी गई हैं, 2 स्पीकर्स आगे में दी गई हैं, 2 स्पीकर्स पीछे यानी कि बूट के ऊपर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स दी गई हैं, 4 के 4 स्पीकर्स वर्किंग कंडीशन में। और इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई इसमें डिजिटल मीटर नहीं दिया गया है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के एसी के बारे में, तो इसमें फ्रंट में 4 AC वेंट दी गई हैं, वहीं पीछे की बात करें तो पीछे में आपको 1 भी AC वेंट इसमें नहीं दी गई है। एसी जो है हीटर के साथ मिल जाएगा, तो ठंडी गर्मी दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। और एसी कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो मैनुअली दिया गया, कोई इसमें ऑटोमेटिक एसी नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। स्टेयरिंग की बात करें तो 3 स्कोप स्टेयरिंग मिला है,
काफ़ी ज़्यादा शानदार। और स्टेयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेगा, जैसे कि मीडिया कंट्रोल्स हो गए या फिर कॉलिंग कंट्रोल्स हो गए, ये सब कंट्रोल्स आपको इसमें नहीं मिलता है। और गियर इसका मैनुअल दिया गया, कोई ऑटोमेटिक गियर नहीं है, हालांकि ऑटोमेटिक गियर में भी ये गाड़ी आती है। और इसका पावर बटन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा और पीछे में नॉर्मल मैनुअल है। पावर बटन के कंट्रोल्स आपको गियर नॉब के जस्ट नीचे मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मॉडल के बारे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टाटा नैनो 2014 मॉडल, काफ़ी लोअर मॉडल गाड़ी है, पेट्रोल वेरियंट में गाड़ी है। अगर मैं आपको इसका पेट्रोल पर एवरेज बताऊँ तो CTM आपको एवरेज आराम से 19-20 की निकाल के दे देगी। वहीं अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पर आपको 27-28 की एवरेज निकाल के दे देगी। तो ओवरऑल पेट्रोल पे एवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, नो डाउट। और अगर इसमें आप CNG इंस्टॉल करवाना चाहें तो बेशक आप CNG में इंस्टॉल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप गाड़ी में CNG दो तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं, एक तो हो गया आपके ब्रांड न्यू CNG और दूसरी हो गई आपके सेकेंड हैंड CNG। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा CNG लगवाएंगे, ब्रांड न्यू या फिर सेकेंड हैंड। दोस्तों बहुत लोग को नहीं समझ में आता कि सेकेंड हैंड CNG में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। सेकेंड हैंड CNG में डिफरेंस आपको यही मिलेगा कि गाड़ी का जो सिलेंडर किट होता है ना, यानी कि CNG का सिलेंडर किट, वो बस पुराना होता है, बाकी सब आपका नया ही होने वाला है। जैसे वायरिंग हो गया, किट हो गया, सब नया ही होता है, तो बस डिफरेंस यही है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं खर्चे की, आखिरकार क्या खर्चा आएगा CNG लगवाने में। तो दोस्तों अगर आप सेकेंड हैंड CNG लगवाएंगे तो 15,000 में आपका CNG लग जाएगा, ब्रांड न्यू लगवाएंगे तो 30,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा, जिसमें 5 किलो का आपका CNG टैंक लगेगा, उससे बड़ा आप नहीं लगवा सकते इस गाड़ी के अंदर। अगर एवरेज की बात करें CNG पे, तो CNG पे आपको CT में एवरेज है 27-28 की दे देगी, और हाईवे पे आपको 40-45 एवरेज निकाल के दे देती है अगर आप बढ़िया से चलाएंगे तो। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के किलोमीटर के बारे में, अभी तक में जो गाड़ी है कितने किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे तो किलोमीटर जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों ये जो गाड़ी है अभी तक में सिर्फ और सिर्फ 77,000 किलोमीटर चली है, जी हाँ 77,000 किलोमीटर चली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम चली है, बहुत ज़्यादा इसको आप चला हुआ नहीं बोल सकते हैं। गियर इसमें आपको मैनुअल दिया जाता है। वहीं ऑनरशिप की बात करें तो दोस्तों ये जो गाड़ी है सेकंड ऑनर गाड़ी है, यानी कि आप जब लेंगे तो बन जाएंगे इस गाड़ी के थर्ड ऑनर। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के इंजन से रिलेटेड थोड़ा बहुत, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 624 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा इंजन है। दो सिलेंडर इंजन के साथ है गाड़ी आती है दोस्तों। और अगर हम पावर की बात करें तो गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है 37.48 PHP का। टॉर्क की बात करें तो 51 Nm का आपको टॉर्क दे देता है, जो कि ओवरटेकिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 4 लोगों का, हालांकि इसमें चाहें तो आप 5 लोग को भी बहुत आराम से बैठा सकते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 24 लीटर का मिल जाता है। बॉडी टाइप है गाड़ी हैचबैक में आती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया के सड़कों के हिसाब से दोस्तों इतना ज़्यादा बेस्ट है ना कि कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, आखिरकार क्या है इस गाड़ी का प्राइस। तो दोस्तों ऑनर का आस्किंग प्राइस है 57,000 रुपये, जी हाँ 57,000 रुपीज़, लेकिन प्राइस जो है नेगोशिएबल है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाड़ी आपको पड़ जाएगी 40,000 से 45,000 के अंदर में। अगर आपको इस गाड़ी को बाई करना है तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ऑनर का दे दूंगा, देन आप डायरेक्टली ऑनर से बात करके गाड़ी को जाकर देख सकते हैं और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और गाड़ी को भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।